मैदान में कदम रखते ही विराट कोहली ने रच दिया इतिहास। 5वें मैच में सचिन, पोंटिंग और धोनी को छोड़ा पीछे। किंग कोहली ने बना डाला सबसे खतरनाक रिकॉर्ड। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है, मैं शुभम। इस वक्त टीम इंडिया वेस्ट इंडीज दौरे पर है। पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया ने जबरदस्त तरीके से जीत लिया था। 141 रन पारी से वेस्ट इंडीज को मात दी थी। दूसरा टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में शुरू हुआ। इस मैच में बड़े रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड तो ये कि रोहित शर्मा और जायसवाल की जोड़ी ने विदेश में बैक टू बैक दो शतकी पार्टनरशिप की। ये रिकॉर्ड अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। इसके बाद जब मैदान में कदम रखे विराट कोहली ने, विराट कोहली के मैदान में कदम रखते ही उनके 500 इंटरनेशनल मैच पूरे हो गए। ये कारनामा करने वाले वो दुनिया के 10वें बल्लेबाज बने और उसके साथ साथ चौथे भारतीय खिलाड़ी बने। और आपको बता दें कि इस रिकॉर्ड के अलावा उनके बल्ले का जो प्रदर्शन रहा वो भी कमाल का रहा। पहले दिन ही उन्होंने 85 लगा दिया है। 85 रन के स्कोर पर पहले दिन बल्लेबाजी कर रहे हैं। उम्मीद उनके फैंस को है कि अपने 500वें मैच में वो शतक लगाएंगे, एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ देंगे। आपको बता दें अगर रनों की बात करें तो रनों में उनसे आगे जब 500वें मैच जो खिलाड़ी खेले, अगर रन की बात करें उस वक्त सबसे ज्यादा रन रिकी पोंटिंग थे जिनके 25,000 कुछ रन थे। विराट कोहली उनसे आगे निकल गए। विराट कोहली के हैं 25,461 रन। अगर बात करें एवरेज की तो एवरेज में भी विराट कोहली सबसे आगे हैं। जब 500वां मैच खेल रहे थे जैक कैलिस तब उनका एवरेज था 50 के आसपास, लेकिन विराट का एवरेज इस वक्त ही 53 के पास है। और ऐसे में ये अर्शद की पारी आ जाना इस एवरेज को और मजबूत कर देगी। इसके अलावा बात करें शतकों की तो शतक इस वक्त जब सचिन तेंदुलकर साल 2006 में अपना 500वां मैच खेले थे तब उनके शतक थे 75। विराट कोहली के भी इस वक्त 75 शतक हैं। अगर एक शतक आता है उनके अपने यहाँ का है 500वें मैच में तो सचिन तेंदुलकर का जो 75 शतक का रिकॉर्ड है उसे तोड़ देंगे। आपको बता दें साल 2006 में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई खिलाड़ी 500 इंटरनेशनल मैच खेले हों। इसमें पहला नाम आता है सचिन तेंदुलकर ने ये कारनामा किया था। साल 2006 में वनडे खेलते हुए उन्होंने ये कारनामा किया था। आपको दादू बतौर 500वां मैच कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। विराट कोहली पहले खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट में अपना 500वां मैच पूरा किया। इससे पहले महिला जयवर्धन हो, रिकी पोंटिंग, जैक कैलिस, एमएस धोनी जैसे 9 दिग्गज थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ T20 या वनडे में कारनामा किया था। विराट पहले खिलाड़ी हैं जो टेस्ट में कारनामा कर रहे हैं और उसमें ही उन्होंने 50 लगा दिया है। उम्मीद करेंगे कि शतक लगाएं और एक पारी को बड़ा कर दें। अगर बात करें साल दर साल की तो किस खिलाड़ी ने किस साल में 500वां मैच खेला है तो उसकी भी जानकारी आपको दे देता हूं। 2006 में सचिन तेंदुलकर ने खेला था, 2007 में सनत जयसूर्या ने खेला था, 2010 में विकी पोंटिंग ने खेला था और साल 2011 में राहुल द्रविड़ और महेला जयवर्धन ने खेला था। साल 2012 में जैक कैलिस ने खेला था, कुमार संकारा ने भी साल 2013 में खेला था, शाहिद अफरीदी ने साल 2015 में खेला था, वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर T20 अपना 500वां मैच साल 2018 में खेला था। तो विराट कोहली लगभग 5 साल बाद एमएस धोनी के बाद 10वें खिलाड़ी बने जिन्होंने अपने 500वां इंटरनेशनल मैच पूरा किया। उम्मीद करिए विराट ऐसे रिकॉर्ड बनाते रहे और टीम इंडिया को विजयी बनाते रहे। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।